नमस्कार दोस्तों, एएसवी नॉलेज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय डिफेंस से जुड़ी एक नहीं बल्कि दो बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं, जिसमें से हमारी पहली अपडेट रशिया के एक ऐसे फाइटर जेट को लेकर है जिसे हाल ही में MRFA डील के तहत भारत को ऑफर करके रशिया ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया का ये फाइटर जेट अभी तक के इतिहास में अजय माना जाता है, जिसे डॉग फाइट में हरा पाना लगभग नामुमकिन है। और तो और, इस फाइटर जेट में एक ऐसी खासियत है जो कि आपको ना तो अमेरिका के F-15 में देखने को मिलेगी और ना ही F-21 में। इवन यहाँ तक कि ऐसी खूबी आपको राफेल में भी नहीं मिलेगी और इसकी जो कीमत है वो भी काफी हैरान कर देने वाली है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी अपडेट है वो अमेरिका को लेकर है। हाल ही में भारत ने ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट की डील की है उसको लेकर इस वक्त अमेरिका गुस्से में आ चुका है और उसने अपनी तरफ से भारत को धमकी दी है कि वो भारत पर सैंक्शंस लगाएगा। अब अमेरिका ऐसा करेगा या फिर नहीं, इसे जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हमें आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करें अगर पहली अपडेट की, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस वक्त भारत में इलेक्शन का माहौल अपने चरम पर है और इलेक्शन के बाद भारत सरकार सबसे पहले कई सारी पेंडिंग पड़ी हुई डिफेंस डील्स को निपटाने का काम करेगी, जिसमें से एक भारत की सबसे मोस्ट अवेटेड MRFA डील भी होगी। इसलिए जैसे जैसे इलेक्शन खत्म हो रहे हैं वैसे वैसे कई देशों की हथियार निर्माता कंपनीज अपने फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रही है। हाल ही में अमेरिका की बोइंग कंपनी ने भारत को अपना F-18 देने का वादा कर दिया है, जबकि MRFA की दौड़ में ऑलरेडी बोइंग का ही F-15EX, लॉकहीड मार्टिन के F-21 के साथ साथ फ्रांस के राफेल, ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन के ग्रिपन के साथ कम्पीट कर रहा है। अब ऐसे में भारत का सबसे पुराना दोस्त रशिया कहां पीछे रहने वाला है और इसलिए हाल ही में रशिया की तरफ से MRFA डील का अब तक का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट भारत को ऑफर कर दिया गया है, जिसका नाम SU-35 है। जी हाँ, रशिया की फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम सुखोई है, उसने अपने SU-35 के साथ भारत के MRFA टेंडर में अप्लाई किया है। सुखोई कंपनी MRFA डील में न सिर्फ SU-35 के साथ उतरी है बल्कि उसने आते ही इस टेंडर में शामिल सभी फाइटर जेट कंपनियों की पैंट बजा कर रख दी है, क्योंकि SU-35 का ट्रैक रिकॉर्ड कमाल का है। ऊपर से इसकी मैन्यूवरबिलिटी दुनिया में सबसे जबरदस्त है और डॉग फाइट के दौरान इसके सामने चाहे अमेरिका का F-35 ही क्यों ना आ जाए वो भी SU-35 से नहीं जीत पाएगा। इसके अलावा सुखोई ने आते ही ये साफ कर दिया है कि अगर ये टेंडर उसे मिलता है तो भारत को न सिर्फ SU-35 की 100% टेक्नोलॉजी देंगे बल्कि वो SU-30 MKI की तरह भारत में इसकी लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए भी तैयार है। और तो और, इसकी जो कॉस्ट है वो राफेल, F-15, F-21 इवन की ग्रिपन से भी काफी कम है। इतना ही नहीं, सुखोई भारत को इस डील के बदले SU-35 के डिजाइन राइट्स भी देने को तैयार है, जिसका मतलब है कि अगर भारत चाहे तो SU-35 में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस भी कर सकता है। सिर्फ ऑफर ही नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के लिहाज से भी ये फाइटर जेट भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि SU-35 एक 4.5+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो की सेमी स्टेल्थ फीचर्स के साथ आता है। मतलब कि इसके कुछ पार्ट्स पर स्टेल्थ कोटिंग की गई है, जिससे इसका बड़ा साइज होने के बावजूद भी इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी स्पीड भी अपनी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है और तो इसकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी जबरदस्त है कि ये अपने साथ एक बार में 15 मिसाइल्स तक कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में भारत को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि ये फाइटर जेट एक ऐसी कैपेबिलिटी के साथ आता है जो कैपेबिलिटी इस कैटेगरी में किसी और फाइटर जेट के पास है ही नहीं, यहाँ तक कि राफेल में भी नहीं। और ये कैपेबिलिटी है हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी। दरअसल रशिया का SU-35 फिफ्थ जनरेशन ना होने के बावजूद भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर कर सकता है। रशिया ने ऑलरेडी इस फाइटर जेट में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ना सिर्फ लगा कर रखी है बल्कि उसने यूक्रेन युद्ध में वो मिसाइल फायर भी की है। यानी कि भारत भी जब अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा तो हमें इस फाइटर जेट में एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा वर्क करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस हमें मिसाइल लेनी है और इसमें लगा देनी है।
हैं, जिसके बाद बस वो मिसाइल रेडी टू फायर हो जाएगी। और यही वो फीचर है जो कि MRFA डील को पूरी तरह से SU-35 की तरफ मोड़ सकता है। अब ये डील SU-35 को मिलेगी या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दे कि MRFA का ये टेंडर दुनिया में सबसे बड़ा फाइटर जेट टेंडर होने वाला है, इसलिए कोई भी कंपनी आसानी से इस टेंडर को अपने हाथों से नहीं जाने देगी और आगे भी भारत को ऐसे ही और भी कमाल के ऑफर मिलते रहेंगे। तो चलिए बात करें अगर दूसरी अपडेट की, तो आपने वो खबर तो सुन ही ली होगी कि हाल ही में भारत और ईरान ने चाबार पोर्ट को लेकर एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिसके तहत अगले 10 साल तक भारत सरकार चाबार पोर्ट के एक टर्मिनल को अपनी मर्जी से ऑपरेट कर पाएगी। चाबार पोर्ट के इस टर्मिनल के थ्रू भारत न सिर्फ ईरान और अफगानिस्तान बल्कि आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के भी कई देशों तक अपना सामान बिना ईरान की दखल के आराम से भेज पाएगा। और इस डील के बदले में भारत आने वाले 10 सालों तक ईरान के इस पोर्ट पर टोटल $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, जबकि ऑलरेडी हमने $250 मिलियन इस पोर्ट की डेवलपमेंट के नाम पर ईरान को दे दिए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये डील दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अमेरिका इस डील को लेकर भारत से बिल्कुल भी खुश नहीं है और भारत इस डील से पीछे हट जाए इसलिए अमेरिका ने भारत को अपने सैंक्शंस का डर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि भारत ईरान की इस डील के तुरंत बाद पिछले कल देर रात को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जिसे आप अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है और उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट में भारत को धमकी दी है कि भारत अपनी विदेश नीति और दूसरे देशों के साथ रिश्ते पर खुद फैसला करने के लिए फ्री है, लेकिन भारत को ये पता होना चाहिए कि ईरान एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं और हम ये सैंक्शंस लगातार एनफोर्स करते रहेंगे। इसलिए जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा उसे ये पता होना चाहिए कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, वो देश भी अमेरिकन सैंक्शंस के रडार पर आ सकते हैं, यानी कि अमेरिका डायरेक्टली भारत पर भी प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखा जाए तो रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान जब भारत ने रशिया से ऑयल परचेज करने का फैसला किया था, तब भी अमेरिका कई बार हमें ऐसी धमकियां दे चुका है जिसे भारत ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर भी अमेरिका एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर होने के बावजूद भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो दूसरे देशों को कंट्रोल कर सकता है। जैसा वो कहेगा सभी देश वैसा ही करेंगे, इसलिए अब समय आ गया है कि भारत भी उसका परमानेंट सलूशन करे और वापस से अपने इंडियन रूपी ट्रेड मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने पर ध्यान दे, वरना आगे भी अमेरिका भारत को ऐसे ही थ्रेट करता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत पर सैंक्शंस लगा सकता है या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले ASV नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।